में बाथरूम आप कभी नहीं बंद करते हो, कब सीखोगे बेटा? हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। अभी हो रहा है सुबह का टाइम, ये लोग नहा धो के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं क्योंकि इसके स्कूल जाना है, इनको समर कैंप स्टार्ट हो गए हैं इसके स्कूल में। तो ये बोला है सैटरडे छुट्टी भी है तो इस स्कूल में जाके बात कर आते हैं, तो सुबह से दोपहर तक रहेगी इसकी समर क्लास। तो ये वाली मैक्सी मैंने अभी ट्राई की है, नाइटी मैंने मंगाई थी कॉटन की, तो थोड़ा सा ये लंबी है तो मैं इसको मोड़ के मतलब थोड़ा सा फोल्ड करके धीरे से सिलवा दे रही हूँ ताकि नीचे से फिटिंग आ जाए। बाकी तो सही है, यहाँ से कुछ कराने की जरूरत नहीं है और कॉटन की तो अच्छी भी लग रही है। मेरी सही लग रही है मैक्सी? हाँ, लेंथ ज्यादा है, थोड़ा सा लेंथ ज्यादा है। सामान लिख लो, क्या क्या लाना है सामान लिख लो। और वहाँ से ये लौट के आए तो मैं इनको सामान लिखवा रही थी क्योंकि काफ़ी दिन से मैं इनसे कह रही थी कि जो ज़रूरी ज़रूरी सामान है वो ले आओ, लेकिन इन्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, छुट्टी नहीं थी। तो अभी मैंने सारे सामान लिखवाया जो जो इमरजेंसी में मुझे चाहिए, तो ये पूछ रहे थे कुछ और चाहिए क्या, तो मैंने कहा बस यही ले आओ। और अभी क्या है, धूप थी तो ये कह रहे थे थोड़ी देर से जाऊंगा मार्केट, और अभी हम खाना पीना खा के बैठे थे तो दीदी कह रही थी तुम्हारे नेल बहुत ख़राब लग रहे हैं। और सच में जब से प्रेगनेंसी के टाइम से मैंने एक तो अच्छे से पैर वगैरह साफ़ नहीं कर पाती हूँ झुक के बैठने की वजह से, तो नाखून भी बहुत ख़राब हो रहे थे, तो इन्होंने अभी क्या है नेल पेंट लगाई है मेरे पैरों में। क्या आ गया सब सामान? बेड में रख लो, तो फ्रेंड्स आज है शनिवार, बहुत दिन से तैयारी बन रही थी कि सामान ले आए ले आए ले आए, लेकिन अब लग रहा था कि बहुत ही इमरजेंसी मतलब इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, तो इसलिए आज छुट्टी थी तो इसलिए अभी ये सारा सामान लेके आए हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या लेके आए हैं। फिलहाल अभी क्योंकि लौट के आए, शाम का टाइम हो गया तो चाय वगैरह पी लें उसके बाद में। तो अभी चाय बन रही है, दीदी चाय बना रही है, चाय बना लें, चाय वाय पी के फिर आप लोगों को सारा सामान दिखाया जाएगा। तो यहाँ आए शाम वाली, पानी पीने ही है। देखिए हमारा घड़ा भर गया, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ रखूँ, किचन में जगह नहीं थी तो नहीं रखा पापों का। तो पहले क्या है, एक दो दिन पहले इसको ना ऐसी पूज के और वैसे जैसे मैं रखती थी वैसे घी वगैरह लगा के रख दिया था, पीने वाला भर गया है। पता नहीं पी ले ठंडा पानी, बाद में कहते हैं हमारे यहाँ के उबला पानी पीना पड़ता है, तो कुछ दिन ले लें ठंडे पानी। काफी दिन का हो गया घड़ा, एक हफ्ते से भर नहीं पाया, कभी ट्यूजडे पड़ जाता है, कभी थर्सडे पड़ जाता है, कभी ऐसे दिन पड़ जाता है भरा नहीं जाता है, शनिवार पड़ जाता है, अभी आलस पड़ जाता है क्योंकि मुझे उठाना नहीं था वजन। ये देखो आलस सामने, मुझे आलस पड़ता ही नहीं है, मैं तो इतना काम करता हूँ। दोस्तों ये देखिए है सारा सामान, चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, साइड डाल लो बेटा आप, तो यहाँ से देख लोगे तो फिर फ्रेंड्स लोग कैसे देखेंगे, आपको देखेंगे क्या? और किनारे बैठो, इधर आओ, बाल ऐसे करके दिखाओगे क्या? तुम तो दिख ही नहीं रहे। ठीक है, ये है किट चैन वाली जिसमें बच्चे को वोट करने के लिए काम आती है ना, क्या बोलते हैं, चिट्ठी बोलेंगे, ये देखिए आयान के टाइम मैंने खरीदी थी, पिंक कलर की थी, जो कि जब आयान थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसके अंदर आता नहीं था, जब तो मैंने फिर उसको गद्दे का काम करने लगी थी, उसकी चैन निकाल के उसको ऐसे बिछा के उस पर लिटा देती थी। और इस बार ये लेके आए हैं ऑरेंज कलर का, ये कलर भी अच्छा लग रहा है, याद होगी आयान की थी ना गुलाबी कलर, ये देखिए किसके लिए लाए हो? आपके लिए नहीं मम्मा, मैं इतना छोटा बड़े ऐसे बच्चे के लिए लाए, अपने बच्चे के लिए।
तरीके से है, बड़ी है क्या? यही साइज आता है 0 से 3 महीने में, यही साइज। हाँ, यहाँ से ये चैनल से बंद हो जाएगी ना, सपोर्ट सही होता है उसको बड़ा। हाँ सही है। ऐसे तुमने बड़ी तो ली। और क्या लाए हो? ये है इसमें सूट है, नेपी है, नेपी यही वाली मंगाई थी ना, तिकोनी, तिकोनी बोलते हैं गांव में। तो ये देखिए इस तरह की ये लेके आए हैं तिकोनी। और पास लाओगे, आवाज जा रही होगी? जा रही है। हाँ, तो इस तरह की ये तिकोनी ले आए हैं, जो कि ऐसे ये 4-5 हैं अलग अलग कलर की। तो मैंने इनसे बोला था कि ज्यादा कुछ नहीं लाना, जो इमरजेंसी वाली चीजें हैं वही लेके आना। तो ये सारी जो भी चीजें इमरजेंसी वाली हैं, क्योंकि ये सब तो लेनी ही पड़ती है। तो ये भी है, ये भी मंगा लिए मैंने, डायपर भी मंगा लिए क्योंकि ये भी ठीक रहता है, उसमें वॉश कर सकते हो। और इसके अलावा ये है 0 साइज के कॉटन के सूट, एक ये है, एक ये है, 0 साइज ही है ना? 0 साइज, ये दो ही लेके आया। हाँ, इसको 0 साइज के भी इतने बड़े आए थे कि जब ये 4-5 महीने का हो गया तब इसको फिटिंग आ पाए थे। और ये लेकिन एकदम छोटे छोटे, वो भी 0 साइज ही के ही थे जो ये लेके आए थे, लेकिन वो बड़े 0 साइज के थे। नहीं, गर्मियों के हिसाब से सही है। हाँ, पतले। तो ये क्या है कि दीदी धो देगी अच्छे से डिटॉल वगैरह डाल के, उसके बाद में इन्हें रखेंगे तो अच्छे लग रहे हैं, क्यूट से हैं, पसंद भी अच्छे की है कलर। एक ये सूट तुमको ले जाता तो फिर तुम ये बोल नहीं पाती कि अच्छे हैं। एक ये सूट है, उसके अलावा ये देखिए ये कैप है, ये सॉक्स है, ये ग्लव्स है, और एक ये कैप है। अच्छा, इसमें डैडी लिखा है, आई एम डैडी, आई एम क्यूट, सो क्यूट। तुम्हारे बारे में कुछ नहीं, इसमें लिखा है सो क्यूट, आई एम डैडी, आई एम डैडी नहीं, बीच में हर्ट बना है तो एम होता है क्या? आई लव डैडी, आई लव डैडी। इसमें भी कैप है और ये सॉक्स है और ये ग्लव्स है, ये देखिए 2 सेट है। तुम जानबूझ के नहीं लाए, इसमें लिखा है आई लव सो क्यूट, इसमें आई लव डैडी। और हम कहाँ चले गए? कुआं में सड़क के, कुआं में है, कुआं, कुआं, कुआं। उसके अलावा और क्या है इसमें? ये है टॉवल, कौन सा कलर है, लाइट ऑरेंज ना। और एक ये टॉवल है, ये देखिए, एक ये टॉवल, 2 टॉवल है। और इसके अलावा ये है ब्लैंकेट टाइप का बोलेंगे ना, लाइट ब्लैंकेट, रैपिंग वाला। ये देखिए, ये रैप करने के लिए अच्छा, मेरे से ऐसी वैसी कमरे में चलते रहते हैं ना, उस हिसाब से सही है, मोटा भी गर्म भी नहीं है और ना सही है। ये भी ब्लैंकेट टाइप का है ना, सॉफ्ट सा है, मतलब एसी वैसी अगर चलता है ना तो उसके हिसाब से सही है, मतलब था गर्म भी नहीं, बहुत सॉफ्ट सा है। इसमें प्रिंटेड भी आ रहा था, कलर भी बहुत प्यारा है, प्रिंटेड अच्छा लग रहा है, सोलर भी बहुत है। और इसके अलावा ये है डायपर, 0 साइज की है ना, 0 साइज के। तो यही सारा सामान है जो ये लेके आए हैं। और वैसे तो कहते हैं कि नए कपड़े वगैरह नहीं खरीदने चाहिए, तो लेकिन जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो फिर आपके पास ऑप्शन भी नहीं रहता है ना, कपड़े नहीं है तो, क्योंकि आयान के तो अब 6 साल हो गए, कपड़े हैं नहीं छोटे अभी, तो इसलिए फिर हमने काम काम की चीज जो अर्जेंसी वाली होती है वो इसलिए ले ली है। नए कपड़े मना करते हैं ना, लेकिन जरूरत तो पड़ती है, कहाँ जाते अभी उतना ही मंगाए जितनी जरूरत है, बाकी तो फिर बाद में लेते रहो। बहुत सारी चीजें आती हैं गद्दे की सीट बिछाने के लिए और भी चीजें, लेकिन जो बाहर चाहिए इमरजेंसी की वो आ गई है ना। अभी हमने सारा सामान दिखा दिया तो उसके मन को अभी संतुष्टि नहीं मिली है। ये देखिए कितने शौक से दिखा रहा है अपने भाई बहन के कपड़े, ये देखिए बड़ा खुश है दिखाने में। किसके बच्चे के लिए?
अपने बच्चे के लिए। तुम्हारे बच्चे के लिए, तुम्हारा तो, और तुमको तो क्या ही बोलना, पता ही नहीं भाई है बहन है। मेरी दिल तो बहुत छोटे है। बहन बहुत खुश है, तेरी खुशी से दिखा रहा है। ये क्या है? डाइपर। अच्छा, पता है आपको? तो यहाँ पर दीदी ने सारे स्टिकर वगैरह जितने थे वो सारे निकाल दिए हैं ताकि इनको सुबह धो के डाल दें। तो मैंने कहा एक बार ये डिटॉल से धुल जाएंगे, उसके बाद में बैग पैक कर लेंगे। तो अभी हो रहा है अगले दिन सुबह का टाइम, और मैंने अभी आया बालकनी में आई मैं, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, यानी जीनस सी फील हो रही थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने अयान से कहा चलो सारे पौधों में पानी डालो, तो डाल कम रहा है, फैला ज़्यादा रहा है। और कल मंडे है क्योंकि संडे को तो डॉक्टर रहती नहीं है, तो कल मैं दिखाने भी जाऊंगी क्योंकि दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा एक दो दिन हो गए होते हुए, तो मैं दिखाए आऊँ जाके, तो बता देगी क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करके देखेंगी। तो अभी बस मैं ऐसी बालकनी में खड़ी हुई थी और मेरा मन नहीं लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि दो तीन दिन से हो ही रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा सा दर्द स्टार्ट हो ही गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहती है इस टाइम। तो क्या हुआ? क्या हुआ, दर्द हो रहा है क्या? हैं, तेज हो रहा है आज थोड़ा सा, ज्यादा तेज है क्या? क्या करें, क्या करें, चलना पड़ेगा क्या आज? अभी नहीं, टाइम लगेगा, तो 3-4 दिन लग सकते हैं। हाँ, ये सारे कपड़े जो हम कल लाए थे ये सारे धो दिए हैं। हाँ जी भाई, तू क्या कर रहा है, पानी फैला क्यों रहा है नीचे? ऐसे डालने को बोला था क्या, और काम बढ़ा दिया है? आराम आराम से उधर डालो, देखो मनी प्लांट सूखा, और इनमें देखो ये लड़का ऐसा, ये देखो प्लास्टिक वाले में भर गया, ये देखो इनको भी बढ़ा रहा है। उधर टीवी के यहाँ से यहाँ रख गया और इनमें भी पानी डालने लगा है। ये देखिए कैसा इसने कीचड़ और पानी फैलाया है। तो अभी इन्होंने पूरा वाइपर लेके साफ़ किया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर मैं ही टहलती रहती हूँ, पूरी फिसलन हो रही थी, तो पूरा इन्होंने सूखा किया है, क्योंकि जब भी मेरा जी घबराता है तो मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ खुली हवा में। तो चलिए इस वीडियो को अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि न्यू वीडियो न्यू ब्लॉग मिलते रहें। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।